ओके तो वेलकम है, गुड मॉर्निंग है और सत श्री अकाल है सभी दोस्तों को। क्या हालचाल है मेरे भाइयों? सो व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज। 9:33 आई एम क्रॉसिंग नागपुर एंड दिस इज द वे टू हैदराबाद। सो यस आई एम गोइंग फॉर हैदराबाद। हैदराबाद कहने में बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही हम लोग जब मैराथन जाते थे तो वहाँ पर बड़े बड़े आरजे लोग आते थे और वो भी हैदराबाद कहते थे, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। क्विक अपडेट ये है कि मैं अभी नागपुर से आगे निकल चुका हूँ और 9:30 के आसपास यहाँ पहुँच गया हूँ। सुबह 5:30 बजे मैं निकला था जबलपुर से, बीच में एक दो स्टॉप्स लिए, बहुत ठंड थी, सुबह टेम्परेचर 15 डिग्री था और रास्ते में बहुत सारा कोहरा था। लेकिन अभी जो है यहाँ पर कोहरा छट चुका है, धूप खिल चुकी है और 25 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान चल रहा है मेरे दोस्तों। बहुत मज़ा आ रहा है। इस बार हम लोग जा रहे हैं साउथ इंडिया की तरफ। हम लोग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से, इतने कुछ घंटों से, इतने कुछ सेकंडों से, तो यस हम लोग बोलना तो बनता है क्योंकि ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं हम सब का है। और आप अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको दिल से, क्योंकि अगर एक भी आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो मतलब वो भी मेरे लिए कीमती है। कहने का मतलब यह है क्योंकि बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल हमने पकड़ लिए रोड हैदराबाद के लिए और यहाँ से हमको अब जाना है सीधे सीधे हैदराबाद। हैदराबाद आज का हमारा स्टॉपेज रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, और देखते हैं। बाकी तो सब चंगा है, एक नंबर है। अभी एक छोटा सा स्टॉप लिया था मैंने नाश्ते के लिए, तो अभी नाश्ता तो कर लिया है, आगे देखेंगे। एक आध ब्रेक क्या, अभी तो मतलब ब्रेक्स चलते रहेंगे, धीरे धीरे बातें चलती रहेंगी। सफ़र थोड़ा सा लंबा है इस बार, डेस्टिनेशन बहुत लंबा है। चलो फिर मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पे। ओके तो 12 बज गए हैं, टेम्परेचर हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही थी, एक छोटा सा ब्रेक ले लिया मैंने, पानी पी लिया, थोड़ा सा आराम कर लिया। और ये होता है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंसेस, देन अर्ली इन द मॉर्निंग यू गेट अप एंड देन यू स्टार्ट जस्ट रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। तो समटाइम्स अराउंड 10 AM to 11 AM यू विल फील बिट एग्जॉस्टेड और साथ ही साथ आपको नींद भी आएगी, तो बेटर है कि आप उसको खींचे नहीं, आप थोड़ा सा आराम कर लें और थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लें, बात कर लें, तो इट विल बी फाइन, इट विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। और मैं अब एकदम फ्रेश हो गया हूँ, मतलब जैसा भी सो के उठा हूँ जस्ट। हालांकि मैंने शायद 15 मिनट का ब्रेक लिया, 7 मिनट में सो गया, बाकी देर में बैठा रहा आराम से, अब अच्छा लग रहा है। लेकिन और अभी ऑलमोस्ट मैंने 352 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं मॉर्निंग से चल कर, तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। और गानों का पेस हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा, और अभी यहाँ से हैदराबाद तकरीबन 400 किलोमीटर्स और है। सो मिलता हूँ आपसे आगे, अभी खाना खाने का टाइम होगा तो जब भूख लगेगी तो खाना भी खा लेंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे आगे रोड पर। अभी मुझे सूत्रों से पता लगा है कि मैं तेलंगाना राज्य में एंटर कर गया हूं और यहां से अभी भी हैदराबाद जो है वो ऑलमोस्ट 300+ किलोमीटर दूर है। अभी दोपहर के 1:20 हो रहे हैं, टेम्परेचर हो रहा है 34 डिग्री सेल्सियस, ब्रेक लेने का टाइम आ गया है और आगे कहीं पर मैं देख रहा हूं कोई अच्छे से ढाबा या होटल या रेस्टोरेंट कुछ भी मिल जाए, मैं रुक जाऊँगा और खाना खा लूँगा। तो जब तक मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ और आगे जाके मुझे कुछ टोल नाके जैसा दिख रहा है, चलो कहीं रुकता हूँ फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ आदिलाबाद से कुछ 10-15 किलोमीटर बाद और मैं यहाँ पर खा रहा हूँ अपनी फेवरेट दाल फ्राई और साथ में रोटी और मसाला पापड़ जो कितना फेवरेट होता है। अभी 2 बज रहा है, यहाँ पर एक ब्रेक लिया है अपन ने खाने का और खाने के बाद अपन दोबारा स्टार्ट करेंगे अपनी राइड को। यहाँ से हैदराबाद जो है वो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर रह गया है, तो 2 स्टॉप और लेंगे और हैदराबाद पहुंच जाएंगे। अब बाकी बातें अपन रोड पे करेंगे, लेकिन फिलहाल तो थोड़ा रिलैक्स करने का, चिल करने का मोड है और जल्दी खाना खा के यहाँ से निकलते हैं। चलो मिलता हूँ मैं आपसे रोड पर।
ओके, तो क्विक अपडेट यह है कि 4:28 हो गए हैं, टेम्परेचर 33 और टोटल किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं आज 615 किलोमीटर्स। और अभी एक स्टॉप लिया था छोटा सा जहाँ पर मैंने चाय ब्रेक लिया, वो जो खाना खाया था उसके बाद सीधा भी ब्रेक लिया है, मतलब ऑलमोस्ट हो गया होगा शायद 180 किलोमीटर्स के आसपास और 2.5 घंटे के आसपास मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। और बाकी तो सब बढ़िया है, अब सीधे यहाँ से हमने गाड़ी चालू कर दी है और अब रुकेंगे सीधे हैदराबाद में, क्योंकि यहाँ से हैदराबाद सिर्फ 140 या 130 के आसपास ही रह गया है। और यहाँ लाइन से एकदम से ना बहुत ट्रैफिक बढ़ गया, बहुत ट्रैफिक, मतलब पता नहीं कहाँ से एकदम से ट्रैफिक बढ़ गया यार, निज़ामाबाद के बाद से ना बहुत ट्रैफिक इंक्रीज़ हो गया है। ये देख लो, मतलब ऐसा गाड़ी ना क्रॉल कर रही है, क्रॉल चल नहीं रही है, घिसट रही है। ये देख रहे हो, दो दो ट्रक फंसा लिए, बीच में कार फंसा ली है और आप मतलब जूझ रहे हैं बस यार, कैसे भी करके हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से वहाँ से निकालने की, पेशेंस के साथ करना है भाई साहब। उधर से निकाली एक गाड़ी किसी ने, वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अपडेट बस इतना ही था और बाकी तो सब बढ़िया है। 25 दिसंबर आज हम लोग हैदराबाद पहुँचने वाले हैं और इसी के साथ मिलते हैं आपसे आगे और भी। और इस तरीके से हम रात के बज रहे हैं 9:30 और आ गए हैं, होटल का नाम है दर्शनी, ये हैदराबाद से कुछ पहले ही पड़ जाता है, तो हम हैदराबाद नहीं एंटर कर रहे हैं एक्चुअली। रात का मैं शाम को 6:30 पे आ गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहीं स्टे कर जाता हूँ, कुछ इस तरीके से है ये रूम। और मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैंने booking.com के थ्रू किया था, बट booking.com वाले भी ओयो होटल को बुक कर देते हैं और ओयो होटल में पार्किंग नहीं होती है। एक बार फिर से मेरी गाड़ी जो है वो बाहर खड़ी हुई है, मुझे रात में नींद कैसे आएगी वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, बाकी तो सब ठीक है। रूम इज़ गुड, वर्थ, मैंने 1000 रुपये पे किया है इस रूम का, बट ठीक है, सिंगल आदमी के लिए सफिशियंट स्पेस है और मैं तो किस तरीके से फैला के रखता हूँ मैं ही जानता हूँ। बाकी से बढ़िया, खाना भी जस्ट खा के मैं आ गया हूँ उत्तपम, और मैंने आज तकरीबन कुछ 750 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। सुबह निकला था जबलपुर से 5:15 पे और 6:15 पे यहाँ पहुँच गया, मतलब लगभग 12-13 घंटे विद ब्रेक्स एंड स्टॉप्स और वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। फिलहाल अपडेट नहीं दे रहा था, अब मिलते हैं आपसे कल सुबह, फिलहाल के लिए इसको कर रहे हैं यहीं पर दी एंड, तो मिलता हूँ मैं आपसे कल सुबह दोबारा से रोड पर।